अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू हदीम टेक न्यूज। मैं हूं अब्दुल मतीन और आज के इस वीडियो में अनबॉक्स करेंगे सैमसंग गैलेक्सी M11 को। सैमसंग ने अपनी M सीरीज को भी पाकिस्तान में लॉन्च कर दिया है और स्टार्टिंग की है M11 से। इंडिया में तो काफ़ी पहले लॉन्च हो चुका है, पाकिस्तान में भी लॉन्च किया गया है और पहले मैंने इसको डिवाइस को स्किप कर दिया था, काफ़ी टाइम हो गया इसको आए हुए, लेकिन मुझसे काफ़ी लोग पूछ रहे थे M11 के बारे में, तो मैंने सोचा आज इसको अनबॉक्स करते हैं और देखेंगे बॉक्स में ऐसी सीरीज क्या मिल रही है। डिवाइस की स्पेसिफिकेशन भी डिस्कस करेंगे। 28,000 रुपीज़ की प्राइस के अंदर लॉन्च किया गया है। ये 3GB रैम एक 32GB रोम का वेरियंट है और देखते हैं बाकी स्पेक्स क्या है डिवाइस की। मेरे पास वॉयलेट कलर है, देखेंगे वॉयलेट कलर कैसा है। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अनबॉक्सिंग। लेकिन अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन में नोटिफिकेशन को ऑल जरूर कर लें ताकि तमाम आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ये हमारे पास डिवाइस गैलेक्सी M11, फ्रंट साइड पे बड़ा बड़ा M11 मेंशन किया गया है और कोई स्पेक्स वगैरह मेंशन नहीं है। बैक साइड पे वारंटी कार्ड लगा हुआ है और डाउन साइड पे देखते हैं तो यहाँ पे डुअल सिम है और इसके अलावा वॉयलेट कलर है, 3GB रैम 32GB रोम का वेरिएंट है। बाकी हम देखते हैं बॉक्स से निकालने के बाद। सबसे पहले रैपिंग उतारते हैं। बैक साइड पे भी सील लगी हुई है। यहाँ पे हमेशा की तरह एक ऊपर कवर रखा हुआ है जो कि बहुत लाइट वेट है। देखते हैं इसमें मेरे पास क्या मिलता है। इसके अंदर कुछ पेपर वर्क है, यूज़र मैनुअल, वारंटी कार्ड, क्विक स्टार्ट गाइड है और ये बॉक्स हो गया एम्प्टी। उसके अलावा कुछ वारंटी स्टिकर्स हैं। फिर ये हमारी डिवाइस गैलेक्सी M11, तीन चीज़ों को हाईलाइट किया है। ऑक्टा कोर CPU है, इन्फिनिटी ओ डिस्प्ले है, 5000mAh की बैटरी है और कलर खूबसूरत लग रहा है, वॉयलेट कलर है मेरे पास। रैपिंग उतारते हैं। ये आ गई हमारी डिवाइस, वॉयलेट कलर खूबसूरत लग रही है डिवाइस, पर्पल कलर है और ट्रिपल कैमरा सेटअप है। डिवाइस ऑन करते हैं। सैमसंग गैलेक्सी M11 आ गया है। डिवाइस जब तक ऑन हो रही है मज़ीद कंटेंट देखते हैं। यहाँ पे चार्जिंग केबल है और चार्जिंग केबल अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें टाइप सी कनेक्टिविटी मिल रही है, तो ये अच्छी बात है कि हमें टाइप सी कनेक्टिविटी यहाँ पे दे रहा है सैमसंग। माइक्रो USB नहीं दी, टाइप सी कनेक्टिविटी मिल रही है तो फास्ट चार्जिंग हमें मिलने वाली है। और चार्जर भी देख लेते हैं चार्जर की पावर क्या है, क्योंकि डिवाइस सपोर्ट करती है 15W चार्जर और बॉक्स में भी मिल रहा है 15W का चार्जर, तो ये अच्छी बात है जो डिवाइस सपोर्ट करती है। यहाँ पे आपको सैमसंग की तरफ से फास्ट चार्जिंग मिलने वाली है 15W की, अडॉप्टिव फास्ट चार्जिंग मेंशन है बॉक्स पे। अच्छा, इसके अलावा सिम इजेक्टर टूल मिल रहा है लास्ट में। ये ऐसी सीरीज़ है हमें जो गैलेक्सी M11 के बॉक्स में मिलेंगी। हम गैलेक्सी M11 का फर्स्ट लुक ले लेते हैं। डिवाइस हमारी यहाँ पे ऑन हो गई है, गैलेक्सी M11। सबसे पहले डिवाइस का फर्स्ट लुक ले लेते हैं। राइट साइड पे पावर ऑन ऑफ की है और वॉल्यूम रॉकर्स दोनों चीज़ें राइट साइड पे लगाई गई हैं। अप साइड पे ऑडियो जैक मिल रहा है 3.5mm का। लेफ्ट साइड पे सिम ट्रे है, यहाँ पे निकाल के देख लेते हैं स्लॉट हमें कौन से मिलेगी। मेरे ख्याल से 3 कार्ड स्लॉट हमें यहाँ पे मिल रही होगी, 2 नैनो सिम और एक डेडिकेटेड मेमोरी कार्ड की स्लॉट दी गई है। ऐसा ही है, 2 नैनो सिम और एक मेमोरी कार्ड की स्लॉट मिल रही है। 32GB के स्टोरेज को बढ़ा सकते हैं मेमोरी कार्ड लगा के। डाउन साइड पे स्पीकर मिल रहा है, चार्जिंग जैक मिल रहा है जिसमें आपको टाइप सी कनेक्टिविटी मिलने वाली है। बैक साइड देखते हैं तो ट्रिपल कैमरा सेटअप है विद LED फ्लैश, फिंगरप्रिंट सेंसर लगाया गया है। नीचे सैमसंग की ब्रांडिंग हुई भी है। सिंपल डिज़ाइन है, खूबसूरत लग रही है डिवाइस, वॉयलेट कलर इस दफ़ा इन्होंने काफ़ी प्यारा निकाला है। फ्रंट साइड की बात करते हैं तो फ्रंट साइड में हमें यहाँ पे मिल रहा है होल पंच डिस्प्ले, जिसको यहाँ पर सैमसंग नाम देता है इन्फिनिटी ओ डिस्प्ले। 6.4 इंच का डिस्प्ले है, इन्फिनिटी ओ डिस्प्ले नाम दिया है। TFT LCD लगाई गई है। रेजोल्यूशन है HD+, यानी 720x1560 पिक्सल्स का रेजोल्यूशन मिलने वाला है और यहाँ पे पिक्सल डेंसिटी 268 PPI की हमें मिलने वाली है। स्क्रीन टू बॉडी रेशो 81.4% मिल रहा है। बेजल्स बहुत छोटे से हैं, नीचे की साइड पे चिन है और ऊपर नॉच का एरिया काफ़ी कम है क्योंकि होल पंच डिस्प्ले मिल रहा है। 19.5:9 का एस्पेक्ट रेशो हो गया यहाँ पे। और बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो प्लास्टिक भी आती है डिवाइस, लेकिन बिल्ड क्वालिटी यहाँ पे सैमसंग की हमेशा से काफ़ी अच्छी होती है। सैमसंग की डिवाइसेस पसंद की जाती हैं बिल्ड क्वालिटी की वजह से और उसके डिस्प्ले की वजह से, डिस्प्ले काफ़ी अच्छे होते हैं। यहाँ पे आपको देखता हूँ ब्राइटनेस हमने यहाँ पे की हुई है, फुल ब्राइटनेस की हुई है, ब्राइट डिस्प्ले है। इसके अलावा यहाँ पे 3 कलर्स के अंदर आई है डिवाइस, ब्लैक, ब्लू और वॉयलेट। ये मेरे पास वॉयलेट कलर है जो कि मुझे पसंद आ रहा है। आप लोग बताइएगा आप लोगों को ये कलर कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन में। फ्रंट साइड पे 8 मेगापिक्सल कैमरा मिल रहा है विद अपर्चर F2.0, होल पंच के अंदर लगाया गया है
और बैक साइड पर ट्रिपल कैमरा सेटअप है। मेन कैमरा 13 मेगापिक्सल का है विद अपर्चर f1.8, 5 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर मिल रहा है यहाँ पे f2.4 के साथ। तो यहाँ पे मैक्रो कैमरा को इंक्लूड नहीं किया गया और आई थिंक मैक्रो कैमरा की ज़्यादा यूजेज भी नहीं होती, अल्ट्रा वाइड की ज़्यादा यूज होती है। अल्ट्रा वाइड और डेप्थ सेंसर यहाँ पे काफ़ी होंगे। बाकी कुछ कैमरा फीचर्स भी देख लेते हैं नॉर्मली यहाँ पे क्या क्या फीचर्स हमें मिल रहे हैं बैक साइड पे। ये आपको देख सकते हैं अल्ट्रा वाइड का ऑप्शन मिल रहा है, ये नॉर्मल मोड है, और ये यहाँ पे अल्ट्रा वाइड मोड मिल रहा है। इसके अलावा लाइव फोकस का ऑप्शन मिल रहा है, लाइव फोकस में आप एडजस्ट कर सकते हैं फोकस को। तो ये कुछ कैमरा फीचर्स हैं, बाकी मजीद चेक करेंगे इसके रिव्यू में। परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं, स्नैपड्रैगन 450 की चिपसेट लगाई गई है, विन 1.8 गीगाहर्ट्ज ऑक्टाकोर सीपीयू, जीपीयू मिलेगा एंडिनो 506 का, 3GB रैम विद 32GB रोम का वेरिएंट है। और सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं, आउट ऑफ बॉक्स डिवाइस आती है एंड्रॉइड 10 पे, लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम मिल रहा है और यहाँ पे वन UI भी 2.0 मिलने वाला है, लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आती है डिवाइस। और यहाँ पे बैटरी इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं, 5000 mAh की बैटरी मिल रही है विद 15W फास्ट चार्जिंग, टाइप सी कनेक्टिविटी भी मिलने वाली है। इसके अलावा सेंसर्स की बात करें तो फिंगरप्रिंट सेंसर भी मिल रहा है, फेस अनलॉक की फैसिलिटी भी मिल रही है। फिंगरप्रिंट सेंसर बैक साइड पर लगाया गया है, बहुत छोटा सा इन्होंने सेंसर लगाया है, लेकिन इसकी स्पीड चेक करेंगे इसके रिव्यू में। तो ये थी कुछ स्पेक्स सैमसंग गैलेक्सी M11 की। डिवाइस आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़।